में ताइबा की लेटेस्ट गोल्ड एंड डायमंड कलेक्शन को शोकेस करने के लिए एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया। आज का जो शो था उसे रैंप पर परफॉर्म करते हुए बहुत अच्छा फील हुआ, लग रहा था कि हमारी जो पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री है वो बहुत आगे जा रही है और इंशाल्लाह इन द कमिंग सम ईयर्स ये बहुत आगे जाएगी। इस फैशन शो में ताइबा के डिजाइन करदा प्रीशियस एंड ग्रेसफुल कलेक्शन को मॉडल्स ने ऑन रैंप पेश किया। फैशन शो में मॉडल्स ने डिजाइनर हसनैन की क्लॉथिंग लाइन को भी शोकेस किया अलोंग विद द ज्वेलरी फ्रॉम ताइबा। बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ और आई होप कि इस तरह के मल्टीनेशनल जो है वो ब्रांड्स पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के साथ आते रहेंगे तो हमें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा और ख़ुद अपने आप को एज अ डिज़ाइनर इंटरनेशनल मार्केट तक जो है वो हमें अच्छी एक्सेस जो है वो मिल जाएगी। आज का शो ताइबा ज्वेलर्स का जो शो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है उसमें हमने कोशिश की थी कि एक फुल ऑफ एंटरटेनमेंट फैशन शो के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रोग्राम बनाएं। इसमें फैशन शो हुआ है जिसके अंदर उन ताइबा ज्वेलर्स की डायमंड ज्वेलरी, उनकी गोल्ड ज्वेलरी का और उनकी ब्रेसलेट्स का एग्जीबिशन हुआ है जिसके अंदर मॉडल्स ने बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी सारी टीम का जिसने बड़े अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ों को मैनेज किया। इस फैशन शो को अटेंड किया गेस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ जिन्होंने अप्रिशिएट किया ऑर्गेनाइजर्स को फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ वंडरफुल शो। आज हम लोग यहाँ आए हुए थे, फैशन शो था, हसनैन डिज़ाइनर थे और ताइबा जो तीन ज्वेलर्स थी इनकी तरफ से हम लोगों ने रैंप किया। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया शो करके। हमने एक्चुअली नई कलेक्शन जो थी ब्राइडल की और शादियों के सीज़न अभी स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हमने जितनी भी कलेक्शन हमारे पास आई है वो हमने दिखाई है, इसके साथ साथ और आ रही है और अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, यू नो इट वाज ऑल गुड।